कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ ऐसी बातों से जुड़ी हुई है ये हैशटैग मी टू कैंपेन या मोमेंट, जो भी आप कह सकते हो। तो मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उन लोग इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेस करती हैं। और सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि पब्लिकली उन लोग को बोलने के लिए ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। या अगर वो ऑफ मतलब किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस है तो उसकी लाइफ में ये हो जाता है कि उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा अगर ये उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके बारे में बोलती है। ऐसी किसी बातों से ये रिलेटेड हम लोग देख रहे थे कि ये काफ़ी न्यूज़ में था, तनुश्री दत्ता का और नाना पाटेकर का के बारे में, कि उन्होंने कहा इनके ऊपर मतलब ब्लेम किया था। तो एग्जैक्टली जानते ये मोमेंट है क्या? तो मी टू मोमेंट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असल्ट, जो मतलब वर्बली किसी को बोल देना या फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके का जो मतलब लेडीज़ के साथ बुरा व्यवहार होता है, उससे रिलेटेड है। तो ये जो टर्म था वो एक्चुअली इंडिया से नहीं, ये इस टर्म को मतलब लाया था तराना बर्क ने, ठीक है। और ये तराना बर्क जो है इन्होंने ही मतलब इसके फाउंडर, एक ढंग से आप बोल सकते हो कि मी टू मोमेंट जो था वो 2006 में इन्होंने ही मतलब इसको चालू किया था सोशल मीडिया पे हैशटैग करके मी टू, कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा कुछ गलत हुआ है तो आप उसे पब्लिक में लाओ, बोलो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो इंडिया में ये 2018 में आया था, ठीक है। हमारा इंडिया हर चीज़ में आता है तो इस चीज़ में भी आ गया, इसने इससे भी बता दिया कि भाई हाँ हम तो हैं। तो फिर तनुश्री दत्ता ने मतलब 10 साल के बाद ये कुछ, पहले आप ये वीडियो देख लो, छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तनुश्री दत्ता सेट छोड़ के चली गई थी गुस्से से। और फिर मतलब अंदर जाने के बाद, वैनिटी वैन में जाने के बाद उन्हें मतलब काफ़ी बुलाया गया लेकिन वो आई नहीं। और फिर बाद में पता चला उनको रिप्लेस करके राखी सावंत को ले आए, और फिर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, ऐसे ही ये वीडियो है। तो फिर देख लो आप पहले अच्छे से। तो ये गणेश आचार्य ने भी उनको बुलाया था लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आई, और इस तरीके से कुछ लोगों ने उन पर मतलब अटैक करने की कोशिश की थी। तो फिर ये मतलब तनुश्री दत्ता ने ये जो बात थी ये 10 साल के बाद उठाया। एक्चुअली ये इंसिडेंट था 2008 का, हॉर्न ओके प्लीज़ करके जो मूवी थी उसकी शूटिंग के लिए। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि उनके साथ नाना पाटेकर ने मतलब गलत तरीके से पेश आए, उनके साथ मतलब फिजिकल होने के लिए बोल रहे थे, ऐसे वैसे सब उनको ब्लेम किया गया है। अब ये तो हम भी नहीं जानते कि रियलिटी क्या है, लेकिन इसके बाद काफ़ी कुछ केसेस खुल के आए, उसमें काफ़ी लोगों के नाम सामने आए। नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम मतलब न्यूज़ में आए, जैसे आलोक नाथ थे, आप देख ही रहो उसमें कि जो हम लोग बाबूजी वगैरह जिस तरह के उनके कैरेक्टर्स हम लोग देखते आए हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ब्लेम किया गया है कि मतलब हाँ इस तरीके से उन लोग बहुत लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। यहाँ तक कि जो मतलब बॉलीवुड है वो दो भागों में बट गया, कुछ लोगों ने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने तनुश्री दत्ता को। तो हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी साहस की बात हो जाती है कि सब लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम लोग बोलें नहीं बोलें, अगर हम लोग ने बोल दिया तो समाज में हमारी इमेज क्या हो जाएगी। जो एक्ट्रेस होती है उन्हें तो सबसे बड़ा डर होता है कि उन्हें आगे कोई डायरेक्टर हायर करेगा या नहीं, या कोई लड़की या औरत कहीं काम करती है तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आगे फ्यूचर क्या होगा।